हेलो गुड इवनिंग गाइस, मैं अभी यहाँ शाम हो रही है नासिक में। हम लोग लासल गांव के यहाँ आए हुए हैं। बेसिकली आई एम फ्रॉम सुपरलेटिव एंटरप्राइजेस। हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ओनियंस, एक्सपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट डिफरेंट तरह का माल जाता है। तो अभी ये हमारा शिपमेंट जैसे बहरीन के लिए रेडी हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लेडीज़ है जो सॉर्टिंग कर रही है, फिर सामने भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारी चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। ये देखिए, ऐसे हम लोगों ने सबसे पहले ये हमारा शेड है। शेड दिखाओ, ये पूरा शेड है। शेड में यहाँ से एंट्री होती है माल की, जहाँ से आप देख रहे हैं, जहाँ पे अभी बारिश का टाइम है, तो हम लोग इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ पे जैसे ये देख लीजिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग माल उतारना स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्टिंग में एंट्री जहाँ से होती है, मैं आपको पहले जहाँ से दिखाया, यहाँ से एंट्री होती है और गाड़ी यहाँ से सीधा जाते हुए पूरा एंड तक गाड़ी लगती है और वहाँ से फिर माल लगना चालू होता है। तो यहाँ पे कल हम लोग अभी बहरीन के लिए पैकिंग कर रहे हैं, तो बहरीन के लिए उधर से और उधर से पूरा हम लोगों ने माल लगाया है। हम लोग 40 फीट कंटेनर 29 मेट्रिक टन भरा जाता है उसमें, ठीक है। तो रीफर कंटेनर होता है वो, उसका टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है वो। तो आइए सामने आइए। अभी नासिक लासल गांव से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, जैसे आप, ये एक ओनियन की एक स्टैंडर्ड साइजेस होती है। सारा ओनियन जो हमारे जो बायर की रिक्वायरमेंट है वो 55 mm प्लस के ऊपर मांगा है उन्होंने, तो हमने सारा अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से भरा है। जैसे अभी ये देख सकते हैं, ये मैम कुछ शॉर्टिंग कर रहे हैं। हाँ, ये मैम कुछ सॉर्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें से सॉर्टिंग का मैं आपको डिटेल थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे काम होता है। इन्होंने अलग अलग तरह से अलग अलग टाइप का माल निकाल रखा है। वो जो छोटा है वो अलग कंट्री के अकॉर्डिंगली जाता है, वो बांग्लादेश, मलेशिया, उस जगह वो छोटा साइज चलता है। लेकिन जितने भी गल्फ कंट्रीज है, उन सब गल्फ कंट्रीज में ये स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं। 55 mm प्लस जाता है, उसके नीचे नहीं बायर्स को एक्सेप्ट होता है, वहाँ मार्केट में रेट भी नहीं मिलता है, जैसे कि आप लोग को मैं बता रहा हूँ। और इसमें यहाँ पे कुछ कुछ रिजेक्शंस भी होता है। रिजेक्शन जैसे देख लीजिए, थोड़ा सा काला पड़ा हुआ है या मतलब ख़राब हो गया है, तो वो सब भी रिजेक्शंस होता है। रिजेक्शन में मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ। हाँ, रिजेक्शन में जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ये हम लोगों ने रिजेक्ट कर रखा है। ये छोटा है इसलिए इसको रिजेक्ट कर रखा है, इसको अलग कंट्री के लिए भरा जाएगा। जैसे ये थोड़ा रिजेक्शन का माल है, साइड में लोकल के लिए भी भरा जाएगा। और रिजेक्शन भी जैसे होता है, ये देखिए, ये सारा रिजेक्टेड माल है, ये सब नहीं चलता है वो सब जगह, बायर्स को एक्सेप्ट नहीं करता। बायर्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर, हाँ, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। और ये जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जैसे पैकिंग हो के ये बैग्स कुछ रेडी है, और यहाँ पे पूरा उसका पैकिंग देखा जाता है कि क्या कितने का वो है, कितने का नहीं। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये, हाँ, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, हमारे महेश जी जैसे अभी आपको दिखाएंगे कि कैसे वो कैलकुलेट किया जाता है और कितना मतलब रखा जाता है। दो सेकेंड, ये देखिए पूरा 20 kg का, पूरा मतलब 20 kg के ऊपर ही वो किया जाता है। तो जैसा कि अभी आप और सामने मैं आपको जैसे दिखाऊंगा, ये छोटा है, ये हम लोग बांग्लादेश के लिए उस साइड में भर रहे हैं, तो अभी यहाँ पे छोटा था तो इसमें ऐड कर दिया। ओके, तो ये सारे बैग्स ऐसे भरे हुए हैं, हर बैग में किसी भी जगह ऐसे देख सकते हैं आप, सारी एक स्टैंडर्ड साइजेस है। 55 mm प्लस ही भरा जाता है सुपरलेटिव का ओनियन। सुपरलेटिव एंटरप्राइजेस इंडिया से काफ़ी अच्छा माल ही एक्सपोर्ट करता है बाहर की कंट्रीज़ को। और ये बहरीन की ऑर्डर है जो हमारी आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ, जैसे कुछ लेडीज़ है जो सॉर्टिंग कर रही है, और यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो माल जो रेडी हो चुका है वो है, और यहाँ पे वैसा है जो जिसको पैक होके अभी लेबल लगना बाकी है जिसमें। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे,
ये लेबल और पैक्ड है, और ये ख़राब रहता है ये, मतलब ये बांग्लादेश के ख़राब में से कुछ ख़राब निकलता है या कुछ वेस्टेज निकलता है, रिजेक्शन निकलता है, तो वो सब ये रहता हुआ है, ऐसे साइड में ही रखा जाता है इसको लोकल, या हम लोग मार्केट में लगा देते हैं, तो मतलब जिस भाव में जाता है वो, मतलब उन्हीं को देखा जाता है वो। फिर यहाँ आप देख सकते हैं फिर से, यहाँ भी शॉर्टिंग चल रही है क्योंकि माल बहुत ज़्यादा है और 29 मेट्रिक टन भरना होता है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे होंगे, कुछ मैं जो भर रहे हैं माल को, ये देखिए सारे साइजेस 55 mm ही इससे निकाल के ऊपर का भरा जाता है। और यहाँ पे और भी कुछ, मतलब एक एक सेट में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे उस जगह पे कुछ बैग्स हो चुके हैं, इस जगह पे कुछ बैग्स पेंडिंग है, इस जगह पे कुछ बैग्स पेंडिंग है, उस जगह पे कुछ बैग्स पेंडिंग है, और उस जगह पे हो गया है, इस जगह पे कुछ बैग्स पेंडिंग है, वो मतलब एरिया एरिया वाइज पूरा मतलब सेट किया गया है कि हर हर तरफ से माल मतलब कंप्लीट हो जितना हो सके जल्दी। और यहाँ भी हम लोगों ने एक वेइंग मशीन रखी हुई है जिसके ऊपर, सॉरी, वेइंग मशीन रखी हुई है, हाँ वैसे 4-5 मशीनें रखी हुई है, और ये बैग्स है, ये लेबल्स है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो छोटे छोटे बकेट्स में भरने के बाद उनको बैग्स में भरा जाता है, बैग्स में भरने के बाद फिर उसके ऊपर लेबलिंग का काम चालू होता है। और ये लेबल्स का बॉक्स है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कुछ बैग्स है, और ये जैसे यहाँ पे और कुछ रेडी माल पड़ा हुआ है जो देख सकते हैं आप, 20 kg की बैग्स हैं, और ये अभी इसके ऊपर होना है। ये हमारी फेवरेट मौसी है जो काफ़ी मजाकिया है, मौसी अच्छे से कर रही है। ये जैसे देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी प्रोसेस हो रही है, सेम ये देख सकते हैं आप, ये मतलब एक स्टैंडर्ड साइजेस होते हैं 55 mm के, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये रिक्वायरमेंट्स होती है गल्फ कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पे, और अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। कोलंबो की अलग रहती है, मलेशिया अलग रहता है, सिंगापुर अलग रहता है, गल्फ कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट 55+ ही हम लोग मतलब ऑर्डर्स ज़्यादा निकलते हैं। तो बहरीन, ये जैसे बहरीन का है, और ये जैसे बांग्लादेश के लिए भरा, और ये जैसे देख सकते हैं आप बांग्लादेश के लिए माल भरा हुआ है, जैसे देख सकते हैं आप जो बांग्लादेश के लिए माल भरा हुआ है सारा। तो जैसे कि आप लोगों को सब दिखाया मैंने, और हमारे लिंक में आपको अगर कुछ ऑर्डर करना है हमसे, और आप किसी भी गल्फ कंट्री से है, हाँ सामने वेइंग, और अगर आपको कुछ अगर ऑर्डर, जैसे अगर आप लोग को कुछ अगर ऑर्डर करना होता है या कुछ करना होता है तो आप लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक में नंबर में रहेगा और ईमेल एड्रेस भी सारे रहेंगे, तो आप लोग को सेम साइजेस आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से माल पहुंचने के बाद हम लोग बायर से फीडबैक फॉर्म्स लेते हैं कि हमारे एंड से और क्या बेटर हो सकता था। हम लोग जूट बैग्स पर प्रिंटिंग करके भी देते हैं, मेश बैग्स में हम लोग हॉलैंड पैकिंग भी अभी ट्राई करने वाले हैं। अगर कोई भी बायर डिफरेंट कंट्री से अगर जानना चाहता है कि हॉलैंड पैकिंग क्या है, जो कि इंडियन ओनियन में एक नई चीज़ आने वाली है, जैसे अभी हम लोग अगर आप बात करेंगे, अगर आप दुबई में हैं या किसी कंट्री में हैं, तो हॉलैंड पैकिंग टाइप वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है वैसा कुछ, जिसमें मिडल में पूरा लेबल लगेगा, स्टिचिंग होगी, एक अलग तरह की पैकिंग हम लोग नए इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, तो उसके बारे में भी मैं बहुत ही जल्द आप लोग को वीडियो लेके आऊँगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर वो वेइंग है, ट्रक का वेइंग होता है, और कंटेनर हमारा यहीं पे, हम लोग अभी नासिक में है, लासलगांव में है, तो कंटेनर हम लोग डायरेक्ट कंटेनर स्टफ़ करते हैं, कंटेनर में ही डायरेक्टली स्टफिंग होती है। कंटेनर को हम लोग इस जगह, ये यहाँ दिखाइए, इस जगह हम लोग कंटेनर को लाके खड़ा करते हैं, और वहाँ से, ओ विशाल विशाल विशाल, तो वो हमारे देख सकते हैं जैसे कि हमारे वो प्रिय एक्सपोर्टर, बहुत ही उम्दा लेवल के एक्सपोर्टर है, खाली ये काफ़ी मतलब कंट्रीज़ में जाते रहते हैं, और किसी भी कंट्रीज़ में अगर आप लोग को पर्सनली मिलना हो तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऐसे ये रहते हैं, या मैं रहता हूँ, या कैमरामैन अभिजीत रहते हैं। रिसेंटली अभी इनके ट्रिप थी दुबई और मलेशिया की, तो
और अभी रिसेंटली नेक्स्ट वीक में ये लोग बहरीन भी जाने वाले हैं पॉसिबली। तो अगर आप लोग किसी भी गल्फ कंट्री से हैं और अगर आप मिलना चाहते हैं हमारे किससे, तो डेफिनेटली हम लोग मिल सकते हैं। आपकी ऑर्डर्स कंटिन्यू रहेंगी, सुपरमार्केट हो, मलेशिया हो, मास्टर पैकिंग हो, बांग्लादेश हो, हम लोग सारी कंट्रीज़ की पैकिंग, सारे कंट्रीज़ का माल अवेलेबल करके देते हैं और बहुत ही अच्छी रेट और कम्पिटिटिव रेट में। जैसे आपको मैं 55 mm दिखाया है, तो ऑलमोस्ट जितने भी सारे लोगों के पीछे कोई ना कोई रहता है देखने के लिए, पूरी सप्लायर्स की टीम रहती है जो एवरी हाफ एन आवर में 15 मिनट में आके देखती है कि माल बकेट्स में बराबर भरा जा रहा है कि नहीं। माल बकेट्स में भरने के बाद एक टीम ऐसी रहती है, मैं आपको वो टीम दिखाता हूँ। और इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मतलब क्या साइज़ है, क्या एमएम का है। अभी ये प्रॉपर नहीं है हमारे पास, अभी वहाँ भी एक रखा हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, हाँ, फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स रहती है हमारी, वो डिपेंड करता है पार्टी टू पार्टी के ऊपर, पार्टी टू पार्टी के ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे कि वो देख रहे हैं आप, हाँ, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि सब जगह मतलब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सब जगह लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई लेबलिंग कर रहा है। लेबलिंग की टीम अलग रहती है हमारी, जो लेबल करती है वो वहाँ पे बैठी हुई है, अभी वो भी आएंगे। चलिए गाइस, थैंक यू। हर चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन और लिंक में मिल जाएगी, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम मिल जाएंगे। और ठीक है, ज़रूरत पड़े तो आप किसी भी कंट्री से हो, हम लोग आपकी ऑर्डर